नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में, आपके साथ सोनू। अब बात करते हैं इंदौर की, जहां बॉम्बे अस्पताल के सामने रहने वाले निजी स्कूल के स्पोर्ट्स कोच पर शादी के 8 माह बाद ही उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि पंजाब पुलिस में रहे उसके चाचा ससुर भी उस पर बुरी नजर रखते हैं। इस मामले की शिकायत की तो जेठ और पति मारपीट के साथ दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। इस मामले में पुलिस ने दुल्हन के पति, जेठ और चाचा ससुर पर प्रताड़ना सहित अन्य मामलों में केस दर्ज किया है। लसूड़िया पुलिस ने 30 साल की नवविवाहिता की शिकायत पर उसके पति प्रदीप बिल्लौरे, जेठ घनश्याम बिल्लौर और चाचा ससुर महेंद्र बिल्लौरे के खिलाफ मारपीट, धमकाने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक उसे प्लॉट और कार के नाम से 8 माह से परेशान किया जा रहा था। इस बात को लेकर एक दिन पहले आरोपियों ने मारपीट भी की थी। बर्थडे के दिन ही पत्नी को भी पीटा था। पीड़िता ने बताया कि 1 जुलाई को उसका जन्मदिन था, जिसके बाद माता पिता और उसका भाई उससे मिलने आने वाले थे। यहाँ जेठ ससुर और पति ने कार और प्लाट के नाम पर दबाव बनाया। जब वो इस बात पर राजी नहीं हुई तो उसे बुरी तरह पीटने लगे। बाद में पिता को कॉल कर बुला लिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और मामले में केस दर्ज करा दिया है। पीड़िता के मुताबिक उसके पति प्रदीप स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने के लिए प्लॉट की मांग कर रहे थे, वहीं 20 लाख रुपए कीमत की कार भी मांग रहे थे। पहले रोका टूटा, दूसरी बार रिश्ता लेकर पहुंचा था। पति प्रदीप के खिलाफ थाने जाने वाली पत्नी ने बताया कि वह शादी के पहले राजेंद्र नगर इलाके में कैफे संचालित करती थी। प्रदीप सामाजिक रूप से परिचित था, उसका पहले रिश्ता तय हुआ था, जिसमें परिवार के लोगों ने रोका कर दिया था। कुछ समय बाद प्रदीप ने इसे तोड़ दिया। करीब 6 माह बाद वह फिर से महिला के घर चाचा महेंद्र को लेकर पहुंचा। 21 नवंबर 2021 को उनकी पारिवारिक रीति रिवाज से शादी हो गई थी। लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ परिवार ने पूरा खर्च दिया। पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता के बयान लिए हैं, वहीं केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।